एक चीज दिखाता हूं, रुक जाओ, देख लो भाई। ग्रीन चिली मैंने काटी है, ओनियन काटी है, ये अपने एक से है, ये जिंजर एंड गार्लिक ओरिजिनल, वो मतलब कि ओरिजिनल, मैंने खुद अभी मैंने अपने हाथों से, ये ज्यादा ओनियन है, ठीक है भाई, मैं आज बनाने वाला हूं एक तूफानी। जो डिश बनाऊंगा आज मैं, इसका नाम है एक तूफानी, राइट। तो बहुत दिन बाद भाई, मैं आज, बहुत ठंड है बाहर, मतलब कि ठिठुरन वाली ठंड है बाहर, तो मैंने सोचा कि भाई चलो आज कुछ थोड़ी मेहनत करता हूं मैं भाई। मैं 2 घंटे से ये सारी चीजें काट रहा था, 2 घंटा लगा मुझे महज। अब इसके अंदर थोड़ी प्याज डालेंगे ऐसे ऐसे करके भाई। अगर आपको मतलब के मेरी खाना बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरी वीडियो को शेयर करें। अब इसके अंदर मैं ग्रीन चिली डाल रहा हूँ भाई, मैंने डाल दिया ग्रीन चिली, ठीक है भाई, मैंने ग्रीन चिली और प्याज डाल दिया इसके अंदर। और मेरी आने वाली अपडेट के लिए जो लाल कलर का बेल का घंटा है, उसको प्लीज जाके तुम दबाइए। तो भाई याद बनेगा चिकन तूफानी, अभी मैं उसको थोड़ा धीमी आंच पे, हाँ भाई, धीमी आंच पे उसको मैं पहले थोड़ा जो ओनियन है उसको थोड़ा फ्राई होने दूंगा। जो ग्रीन चिली है उसको धीमी आंच पे मैं पहले थोड़ा फ्राई होने दूंगा। उसके बाद मैं कुछ अपना चिली पाउडर है, सॉल्ट है, MDH वो है, उसको मैं डालूंगा। 1 मिनट, ये धीमी आंच पे क्या हो गया, धीमी आंच पे तो मांस उतर गई भाई, मैंने तो धीमी आंच बोला था। भाई धीमी आंच पे सारी चीज होगी, धीमी आंच पे। एक मिनट, भाई तुम लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि धीमी आंच पे कैसे सीझता। भाई देखो ये धीमी आंच पे है सामान, आहा हा, भाई देखो धीमी आंच पे है ये। तो जब इसका जो कलर है वो अभी वाइट है थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा थोड़ा पिंक हो रहा है, तो जैसे उसका पूरा कलर पिंक हो जाएगा, 1 मिनट, ये बहन चो धुआं बहुत निकल रहा है यहाँ से, हाँ, जैसे जैसे इसका धुआं पूरा मतलब हो जाएगा अपना धुआं, सॉरी पक, ये जो पूरा पिंक हो जाएगा पूरा ओनियन, ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर कुछ दूसरी और चीजें डालेंगे। ये एग्स का पूरा बाउल है, देखो भाई मैंने एग्स को अच्छे से काटा हुआ है 4 पीस के अंदर,
एक मैं हेल्दी टिप्स देना चाहता हूँ तुम लोगों को। एक मिनट, ये इसको थोड़ा हिलाना पड़ता है ना। हाँ, हाँ, एक हेल्दी टिप्स देना चाहता हूं कि एग्स का जो येलो पार्ट्स है, ठीक है, अभी ये टोटल यू समझ लो कि ये 10 एग्स है, 10, राइट। तो 10 एग्स में मैंने क्या किया है, 10 एग्स में से मैंने एक मिनट, तो 10 एक्स में से मैंने मतलब सिर्फ तीन एक्स में येलो पार्ट्स रखा, दूसरा येलो पार्ट्स मैंने गार्बेज कर दिया, क्योंकि ये जो येलो पार्ट्स होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट, बहुत सारी फैट होती है, तो इसके लिए मैंने वो सारी चीजों को गार्बेज कर दिया। और ये हेल्दी एक्स है, देखो भाई ये वाइट एक्स है, देख रहे हो, वाइट एक्स, राइट। अब ये ओनियन अच्छे से पक्के तैयार हो चुकी है, अब उसके अंदर मैं थोड़े मसाले डालूंगा, ठीक है, रुक जाओ। सबसे पहले इसके अंदर मैं ये जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डालूंगा। ओ बहन चो, अब उसके बाद देखो ये मैंने दी, ओहो जबरदस्त मजा आ गया। अब इसको मैं ऐसे पैक बनाता हूँ, रुक जाओ।
ओहो भाई एकदम देख लो कतई बनके। ओहो मसाला देखो भाई, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सेकने दो। भाई दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा, देखो भाई ये धीमी आंच पे, देखो ये मसाला अपना बनके रेडी है कतई, देख लो भाई एक मिनट, ये मैं तो लाइक की, देख लो भाई ये मसाला अपना बनके रेडी है। ओहो देख लो भाई क्या खुशबू आ रही है, आ हा, देख लो भाई अपना मसाला कतई बनके रेडी है ये। देखो भैया वाह पनाड़ी भैया वाह, बहुत ही शानदार। अब भाई इसके अंदर मैं डालूंगा एग्स, देखो ये एग्स, एग्स मैंने डाल दिया है भाई, बहुत मेहनत लगती है यार, ऐसे ही नहीं बनता खाना। आहा भाई देखो ये एक तूफानी अपना, आहा भाई इतना स्पाइसी बनाया मैंने, जबरदस्त। भाई भाई इसको थोड़ा हम ऑयली बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा ऑयली चाहिए ना खाना, तो इसको थोड़ा ऑयली बनाएंगे। रुको मतलब आज बहन चोद माँ चोद देंगे। हाँ अब इसको थोड़ा ऑयली बनाएंगे भाई, तब तक ये दो कौड़ी की लेस ऑलमोस्ट वही अपना एक तूफानी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। तब तक आराम से एक केक बनाते हैं।
उसके ऊपर थोड़ा नींबू छिड़केंगे, अभी अभी देर है, थोड़ी देर लगेगी, रुक जाओ। भाई देखो ये सारे अमीरों के चौंचले होते हैं, तुम साले गरीब लोग भैनचोद हर रोज घर पे खाते हो, ठीक है, मैं हर रोज बाहर खाता हूं, ये सारे अमीरों के चौंचले होते हैं कि कभी कभार घर पे खाना बनाना, ठीक है, कभी कभार रेसिपी देख के मतलब घर पे हो जाए, तो ये सारे अमीरों के चौंचले होते हैं, वरना तुम साले गरीब लोग सुबह शाम दोपहर रात हर रोज तुम्हारी बीबी किचन में लगी रहती है। भाई देखो ये इतना एक्साइटमेंट होता है जब तुम कभी कभी खाना बनाते हो तो उसको बनाने का इतना एक्साइटमेंट होता है। वाओ भाई इतना पूरा माल ठूंस जाऊंगा मैं, देख लो सब माल ठूंस जाऊंगा आज मैं। तो मैं कभी कभार बनाता हूं जब मेरा मूड होता है, मतलब कभी कभार तो नहीं बोलूंगा कि जब मुझे दो चार प्याज और कुछ ग्रीन चिली सुपरमार्केट में से मैं चुरा के लाता हूं अपनी जेब में रख के, उस दिन मैं ये चीज बनाता हूं, ये हकीकत है भाई। मुझे चोरी का माल बहुत पसंद आता है, चोरी, तो ओहो भाई जबरदस्त बनाए बहन चोरी है तो आज, वाओ गजब भाई। लेमन अब छिड़कूंगा मैं,
जबरदस्त है वही, इसको किया मैंने बंद। अब धीमी आंच पे ये थोड़े थोड़े अच्छे से अपना तपीस लेगा, अच्छे से चपीस लेगा ये। तब तक अपनी बकचोदी शुरू करते हैं। अब ओहो भाई कितना टैलेंट, साला कितना टैलेंट से मैं भरा पड़ा हूं। कभी कभी मुझे खुद को अपने आप पे शर्म आती है यार, कोई कैसे इतना टैलेंटेड। एक मिनट, ओह कैसे भाई कोई इतना टैलेंटेड हो सकता है। साला सब देखो भाई कितना बहनचोद, कितनी मेहनत लगती है ये सारी चीजें बनाने में। इसको थोड़ा धीमी आंच पे कर देता हूं मैं। हाँ यार, डेढ़ घंटा मुझे लगा एक 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 प्याज एक ओनियन चुरा के लाया था मैं, ये आधी यहां पे पड़ी है। ठीक है, अब इसको मैं खाऊंगा ये एक स्तूफानी के साथ, ये आधी खाऊंगा मैं एक स्तूफानी के साथ। ठीक है, मैं इतनी ग्रीन चिली चुरा के लाया था, वो सारी ग्रीन चिली मैंने यूज कर ली। एक लेमन चुरा के लाया था मैं, एक लेमन, आधा लेमन मैंने इसमें नीचो दिया, अब आधा लेमन मेरे पास बचा हुआ है। राइट, अब वो आधा लेमन मैं ये खाना खाने के बाद, बहन की लोड़ी धीमी आची है ना, ये तुम्हारे चक्कर में बहन जो खाने की बहन ना चुन जाए। हाँ, ये खाने के बाद वो जो आधा लेमन बचा पड़ा है उसको शायद मैं यूज करूंगा भाई। आज मैं दूसरी चीज बताता हूं आप लोगों को, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है जबरदस्त। तो आज मैं पूरा आइसक्रीम का एक इतना बड़ा कंटेनर लेके आया हूं मैं, इतना बड़ा कंटेनर है। यहां पे एक ब्रांड है, मतलब कि एक फ्रेंचाइजी है, एक फ्रेंचाइजी का नाम है कोल्ड स्टोर भाई। बॉलीवुड के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है वो लोग आइसक्रीम खाने के लिए वो कोल्ड स्टोर का न्यूयॉर्क में आते हैं, सर्च कर लेना कोल्ड स्टोर। ठीक है, वो मेरे घर के मतलब मेरे घर से निकलते ही सामने ही है, एक मिनट की वॉक करो सामने ही है कोल्ड स्टोन। तो भाई उसका मैं आज ये खाना पेलने के बाद एटलीस्ट कतई देसी भाषा में बोलता हूं मैं, 500 ग्राम आइसक्रीम आज मैं लपेट जाऊंगा। ये पूरा 10 अंडा ठूसने के बाद, अभी तो तुम रुको, अभी तो पूरी कारी मैं कैसे खाऊंगा वो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये डिनर फिनिश होने के बाद, ये बहनचोद इसका बहुत प्रॉब्लम हो गया अभी, डिनर खत्म होने के बाद मैं 500 ग्राम आइसक्रीम ठूस जाऊंगा। हाँ, 500 ग्राम आइसक्रीम ठूसने के बाद अपने कपड़े खोलूंगा, मेरे बेडरूम में जाऊंगा जहां पे अभी मैंने टेम्परेचर कर दिया है 65 डिग्री, मतलब बाहर तो बहुत ठंडा है, मैंने अंदर टेम्परेचर सेट कर दिया 65 डिग्री। तो यहां पे अभी किचन में भी अपना अच्छा टेम्परेचर है, खाना ठूसूंगा, आइसक्रीम पेलूंगा, रूम में जाके कपड़े उतारूंगा। ठीक है, कपड़े खोल के सो जाऊंगा भाई मैं। सोचो कितनी अच्छी जिंदगी है मेरी। भोसरी वालों, अमीर लोग जो होते हैं ना, अमीर लोग, वो हर रोज घर पे नहीं खाना खाते, समझे, वो कभी कभी घर पे बनाते हैं, जैसे मैंने आज बनाया।
आज मेरा ठंड है मूड थी, मैंने बोला चलो बे इंचार्ज कोई रेसिपी बेसिपी देखते हैं, अगर कुछ जुगाड़ होता है तो देख लेते हैं। तो भाई मैंने रेसिपी देखी, वहां पे आ रहा था, मैंने बोला ये इजी है, क्योंकि देखो रेसिपी से पहले लगता है सामान, रेसिपी बनाने से पहले लगता है सामान, ठीक है। अब वो सारी चीजें जो है यूज होती है रेसिपी में, तो वो सारी चीजें मैं चोरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये रेसिपी में था ओनियन, ग्रीन चिली और लेमन, ठीक है। अब दूसरी जो चीजें हैं वो तो थोड़ी थोड़ी मेरे घर पे पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि पनौड़ी भैया ये चीज तो तुम चोरी कर सकते हो, राइट। तो फिर मैंने सोचा कि अब रेसिपी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेसिपी की माँ की चूत, रेसिपी में यूज होने वाला सामान अगर चोरी होगा तो ही वो रेसिपी यूज होगी, समझते हो। अगर चोरी नहीं होगा सामान तो रेसिपी चेंज हो जाएगी, तो जो मेरी रेसिपी होती है वो चोरी के हिसाब से होती है, जैसी चोरी वैसी रेसिपी, मतलब तो बहन के लड़ो खाने से है ना। तो आप लोग भी भाई मैं चाहता हूं कि एक ये एक तूफानी बनाओ, लेकिन चोरी करके भाई। इंडिया में देखो रिलायंस के भी सुपरमार्केट ओपन हो गए हैं, बहुत सारे दूसरी दूसरी ब्रांड। यार एक एक प्याज तुम जेब में लाके और एक ग्रीन लेमन जेब में लेके और इतना ग्रीन चिली तुमने जेब में डाल लिया, भाई किसको पता चलेगा, बताओ किसको पता चलेगा भाई, किसी को पता नहीं चलता भाई। देखो अपनी सबसे प्यारी मेरी मोहब्बत आ चुकी है, उसको मैं ऐड करता हूं। ये बंदी भाई मैनू बहुत पसंद है, लेकिन क्या क्या करे बताओ भाई, ये बंदी की शादी हो जाएगी कल को, ये अपने घर पे चली जाएगी। और श्रुति कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूं। आज क्या बनाया आपने? मैंने आज बनाया एक तूफानी। ये कौन सी रेसिपी है? ये मतलब तुम समझी नहीं, मेरी कोई रेसिपी नहीं होती, जो सामान चोरी करता हूं वो चोरी के ऊपर रेसिपी ढूंढता हूं मैं। ओके, आप सामान चोरी करते हो? हाँ अब इसके अंदर तो मतलब कि अभी मैं यूं समझ लो कि एक कोई कौन सा डिश था वो चीज भुर्जी, ऐसा कोई डिश था। अब वो चीज भुर्जी के अंदर टोमेटो भी लगता, चीज भी लगता, मतलब उसके अंदर वो क्या था दूसरी चीज अपना शिलालांत्रो को, मतलब तुम क्या बोलते हो हिंदी में, सिलारांत्रो को क्या बोलते हो तुम लोग हिंदी में? क्या ये बोलते अरे हैं? यार वो जो सिलारांत्रो को क्या बोलते हो यार तुम लोग हिंदी में? गाइस बताओ नीचे कमेंट में। धनिया, वो तो राइट। कोरिएंडर होता है ना, तो सिलारांत्रो किसको बोलते हैं? तो आपकी वैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ तो कोरिएंडर बोलते हैं उसे। हाँ जो भी है वो तो वो भी लगता है, दूसरी और सारी चीजें लगती। तो मैंने सोचा कि भाई सबसे इजी रेसिपी ये है, एक तूफानी जिसमें एक प्याज लगेगा, थोड़ी ग्रीन चिली लगेगी, एक लेमन लगेगा, जो मैं चुरा के आ गया, ठीक है। तो ये चोरी की रेसिपी है, समझती हो। समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। हाँ तो मैं चाहता हूं कि आज तुम भी वहां पे वो जो एसटी हाईवे पे बहुत सारे बिग बाजार, एसडी हाईवे पे वो बिग बाजार अभी चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है। हाँ तो बिग बाजार में तुम जाओ, एक ओनियन चुराओ, एक लेमन चुराओ और थोड़ी अपनी ग्रीन चिली चुराओ, और लेकिन आज भी तुम वहां से हाँ मुझे फ्री में एग्जिट मत होने देंगे ना वो?
मत होने देंगे, एक एक चीज चुराने में भी इंडिया में पकड़ते हैं। यस पकड़ते हैं, उनका वो साइलेंसर बज जाता है, पी 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 पी, उससे आप पकड़ सकते हो। एक प्याज में साइलेंसर बजता है। अगर वो आपके बिल में नहीं होगा तो आप पकड़े जाओगे, फिर आपकी कुटाई होगी, बहुत कुटाई। मतलब एक प्याज में साइलेंसर बजता है इंडिया में। हाँ तो बजता ही है ना, अगर आपके बिल में नहीं है वो तो बजेगा ही ना, ऑफ कोर्स बजेगा, लेकिन तुम्हें बिल बिल चेक ही कहाँ करते हैं। बनाना है, तुम्हें बिल तो बनाना ही नहीं है, तुम्हें तो काउंटर लाइन में खड़े ही नहीं रहना है। तुम्हें तो ऐसे मतलब गए जेब में प्याज डाली, इतने ग्रीन चिली डाले, लेमन डाले, निकल लिए वहां से बाहर। नहीं पॉसिबल नहीं है बनौड़ी, कोई कुछ पॉसिबल नहीं है, इंडिया बहुत चेंज हो गया है। भाई ये तो मैंने पहले, हाँ लेकिन चोरी चकारी बहुत होती है ना इंडिया में। साले तुम सब चोर लोग हो तो वहां पे सिक्योरिटी भी हिसाब से बनती होगी। यहाँ पे साले भोले भाले लोग हैं, कुछ ही ऐसे मेरे जैसे चोर लोग। अब मेरे जैसे चोर लोग के लिए ये लोग थोड़ी अपना पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चेंज करेंगे, समझती राइट हो? अब मेरे जैसे उनके वहां पे कितने लोग आते होंगे पूरे साल में, 2 या 3 लोग, राइट? बाकी तो दूसरे बेचारे सारे अपना बिल पे करके जाते हैं, आपकी अपने पोनी, अच्छे से शॉपिंग। आपने पोनी नहीं बनाई आज, पोनी अरे क्या बात रह रहे हो, अभी स्टोरी देख लो मेरी। अच्छा हेयर स्टाइल है आपका, वैसे ही रखा करो आप। श्रुति तो शादी करके चली जाएगी और इंस्टाग्राम सुना हो जाएगा यार। क्यों, मैंने कौन से इंस्टाग्राम पे झंडे गाड़ रखे हैं जो मेरे बिना सुना हो जाएगा। यार मैं क्या बताऊं श्रुति, फिर तो बोलेगी कि यार पनौड़ी जी आप बकचोदी कर रहे हो। देखो लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं नीचे, क्या तो वाह दीदी वाह, दीदी बोल रहे हैं तुम्हें? बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, दीदी बोलो बहन बोलो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क मत पड़ता है। श्रुति तो श्रुति तुम्हारा मतलब ये दिसंबर मतलब कि ये साल में तुम्हारा सादा पक्का है? यस पक्का है, विकेट डाउन हो जाएगा मेरा। मतलब तुमने शादी के लिए क्या क्या सोचा है, मतलब कि तुम्हारी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, कि भाई कैसे तुम्हारी शादी हो, मतलब कि तुम्हारा दूल्हा जो है वो हाथी पे बैठ के आए या घोड़े पे बैठ के आए, मतलब तुमने क्या क्या ख्वाब देखे हैं? मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती कोई ख्वाब अपने, ये आपकी लाइव यूट्यूब पे जाएगी। अच्छा, YouTube पे जाएगी यार। तुम मतलब तुम्हारा तुम्हारी जिस जिस ढंग से तुम्हें शादी करनी है वो तो तुम ऑब्वियसली बता सकती हो यार, उसमें तो क्या बात है। उसमें तो तुम अपने डैडी को भी बता सकती हो, अपने होने वाले पति को भी बता सकती हो। सकती ना, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। हाँ तो थोड़ा तो बताओ। जो नीचे गंदे गंदे कमेंट कर रहा है ना, ये उनकी माँ की डैश 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 अरे बाबू बकचोदी। तुम कमेंट क्यों पढ़ रही हो, तुम सादा करने वाली हो, अब तुम्हारी जिंदगी के दिन बदलने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो फिर तुम क्यों ये कमेंट्स को पढ़ रही हो? अरे तुमने क्या गालियां सोचा दे रही है अपने? नीचे कमेंट में, बदतमीज लोग। अरे यार तुम गालियां मत पढ़ो यार, तुम कुछ दिन की मेहमान हो, फिर तुम इंस्टाग्राम छोड़ दोगी, किसने कहा फिर छोड़ हमारी ये दूंगी, चीज। नहीं छोड़ूंगी, इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा रहूंगी जब तक है सांस। अच्छा तो मतलब तुमने अपने सॉरी सोहर यार वो अनम के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है ना, तो उर्दू मेरे मुंह में फंस गई। तो तुमने मतलब क्या सोचा अपने हस्बैंड के लिए, कि मतलब कैसा होना चाहिए? चलो वो तो तुम्हारी चॉइस है, दैट इज द पर्सनल, बस कैसे तुम्हें शादी कैसे करनी है, मतलब कि जयपुर पैलेस में करनी है या फिर तुम्हारा कोई होटल में करनी है, ऐसा मतलब कि भाई ड्रीम होता है ना कि भाई लड़कियां सोचती है कि भाई हमारा डेस्टिनेशन ख्वाबों का वेडिंग करनी है मुझे। डेस्टिनेशन वेडिंग। मतलब तुम्हारा फैमिली कहाँ रहता है, मैं भूल गया। आगरा अच्छा तो वो लोग आगरा से आए, मतलब तुम लोग आगरा से आओगे और तुम्हारा जो मतलब होने वाला पति है वो चांदनी चौक से आएगा।
और तुम लोग मिलोगे कनॉट प्लेस पे, ऐसा मतलब? चांदनी चौक का होगा क्या वो? कैसे पता आपको? कहीं भी अरे तो हो मतलब सकता मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऐसा मतलब कि तुम आगरा से आई, वो बंदा अपना जहां पे भी दिल्ली में रहता है वहां से आया, और फिर तुमने गुड़गांवा में शादी कर ली, ऐसा? क्या पता वो जयपुर से हो, क्या पता, तो जयपुर क्या और पता वो दिल्ली के बीच, औरंगाबाद से भी हो, क्या पता, कहीं से भी हो सकता अच्छा अहमदाबाद से, तो भाई सांगो दीदी को मुझे पूछना पड़ेगा। है। क्या पता वो गुजराती हो, मैंने गुजराती पे हाथ मारा हो, क्या पता। मुझ पे हाथ मार लो। जिंदगी सवाल जाएगी बुक टाइम तुम्हारी। छोटी अंबाला का नाम मत लेना गाइस, जो नीचे गलत गलत कमेंट कर रहा है ना, उसकी माँ की डैश डैश डैश, सबको ब्लॉक मार रही हूँ मैं, करो गंदे गंदे कमेंट, लाइव ही नहीं देख पाओगे तुम। भाई देखो श्रुति, श्रुति बहुत अच्छी लड़की है यार, तुम लोग ऐसी कमेंट मत करो। तो श्रुति अभी आप मतलब के गुजरात में ही हो अभी आप? अहमदाबाद में अच्छा, तो आज आपके लिए एक सरप्राइज मैंने अरेंज की है। अभी कितने बज रहे हैं वहां पे? 11 बज रहे हैं। यार देखो श्रुति, मजाक की बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक कौन है? सा सरप्राइज, कैसा सरप्राइज? सरप्राइज होता है यार अहमदाबाद भाई, मतलब के चलो मैं मानता हूं मैं गरीब हूं, बट इतना भी हाँ, गरीब नहीं हूं कि भाई हम किसी को सरप्राइज ना दे सके यार कुछ भी। आप गरीब मत हो, किसने कहा आप गरीब हो? भाई मतलब मैं तो खुद अपने आप को गरीबी मानता हूं, दिल तो भाई श्रुति से आपके लिए आपको, सरप्राइज, हाँ बोलो क्या सरप्राइज है। लेकिन सरप्राइज देने के लिए बाबू एड्रेस भी तो चाहिए ना, कहाँ भिजवाऊं? ओह माय गॉड, वो तो कुछ है नहीं मेरे पास, मैं कहाँ भिजवाऊं सरप्राइज। राइट है, एकदम राइट है। हाँ तो मैं चाहता हूं कि लाइव खत्म होने के बाद आपका जो शुभ एड्रेस है, मतलब आप जो जहाँ पे रहती हो वहां पे तो मैं भिज नहीं सकता हूँ, मतलब तुम अभी जहाँ ऑफिस में हो, जिस ऑफिस में काम करती हो, ठीक है, उसका भाई आज का श्रुति गुप्ता को लंच मेरी तरफ से। बताओ श्रुति गुप्ता क्या खाओगी? बाहर का नहीं खा रही हूँ मैं आजकल, अच्छा बाहर का नहीं खा रही हो? नहीं तो भाई श्रुति को संडे का पूरा, मतलब संडे का लंच और डिनर मेरी तरफ से। बताओ श्रुति वाओ। का मतलब के। हाँ भाई श्रुति तुम्हारे लिए मैं ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खाना मेरे ठीक है? लिए है, आप खाना गिफ्ट करोगे मुझे? अरे खाना गिफ्ट नहीं, मतलब संडे को तुम जो भी शॉपिंग करोगी, सुबह से लेके शाम तक तुम जितनी भी एक्टिविटीज करोगी अहमदाबाद के अंदर, ठीक है, विद नॉट अहमदाबाद के बाहर, ओके, वो सारा एक्सपेंस फ्रॉम माई साइड, आई प्रॉमिस यू। ओह माय गॉड, नहीं यस, यार, आप बस आपने बोल दिया वही काफी है। और तुम्हें पता है कि अहमदाबाद में मैं कर सकता हूँ, यू नो मी। बहुत जानने वाले हैं आपके अहमदाबाद में। हाँ तो भाई अहमदाबाद को पूरा हमारी मुट्ठी, हमारी दो मुट्ठियों में है यार, क्या बात कर रही हो एकदम राइट है, एकदम राइट है। भाई, ये मैंने झूठ, ये बकचोदी नहीं है ना लोगों को, एग्रीड विद योर बताओ सच पॉइंट, बताओ है? नहीं बिल्कुल एग्रीड, एग्रीड, सच है राइट। ये तो है। हाँ तो भाई श्रुति गुप्ता आई गिव यू ऑफर एज अ गुड फ्रेंड। भाई मैं सच बो, मैं यहाँ पे कोई मतलब के कोई बकचोदी नहीं है, श्रुति संडे मॉर्निंग से लेकर रात तक श्रुति ने अहमदाबाद में जिस भी चीज के ऊपर हाथ रखा वो तुम्हारी हो जाएगी, आई प्रॉमिस यू ब्रो। तुमने कार खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, अब तुम पे है श्रुति, तुम कितना फायदा उठा सकती हो।
राइट, बट मैं फायदा नहीं उठाना चाहती, मैं बहुत अच्छी हूँ। भाई देखो, मैंने तो बोल दिया ठीक है, लेकिन एटलीस्ट संडे को आपको एक गिफ्ट तो मैं पक्का दूंगा। संडे को मैं अहमदाबाद में मत हूँ, तो कहाँ पे हो? मैं घर जा रही हूँ। आगरा में तो मेरे कोई कांटेक्ट है नहीं, आगरा में तो मुझे कचौड़ी समोसे वाले जानते हैं, कचौड़ी समोसे भिजवा देंगे भाई तुम्हारे घर पे, और क्या कर सकते उससे ज्यादा। कोई ना कोई होगा नीचे आपका फैन आगरा से। लेकिन वहां पे तुम्हारा बूढ़ा बाप भी तो होगा ना घर पे, कैसे भेजू? वो भी तो देखना पड़ता है सारी चीजें, कैसे भेजू बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई नहीं, आपने बोल दिया बहुत है, कोई बात नहीं, कैंसिल अरे क्या कर दो श्रुति, ये क्या प्लान, कुछ और सोच लो। श्रुति, क्या श्रुति तुम यार क्या दहेज बोल के रही। हैं भेजते लिखने ना। देखो सब लोग लिख रहे हैं हम आगरा से, हम आगरा से हैं, पागल हो गए लोग। कहाँ यार तुम, पूरे एम्पायर छोड़ के छोड़ो ये, क्या बताऊं मैं यार आप तो कितना भाई। पीते हो, ओ गॉड, इतना कौन पीता है? अरे मैंने ज्यादा पी ही नहीं यार, कब से तो मैं प्याज काट रहा था, 1.5 घंटे से, 1.5 घंटे से प्याज या ना वो ग्रीन चिली काट नहीं रहा पी, था मैं। नहीं पिया करो यार इतना, मतलब मैं एज अ गुड फ्रेंड आपको समझा रही हूँ, मत पिया करो अरे इतना, लेकिन मैं बंद डेढ़ कर दो। घंटे से अरे 1.5 घंटे से तो मैं पी, वाह। तो भाई अपनी चीज पूरी रेडी होके तैयार है ठीक है, इट्स रियली गुड स्टफ, मतलब कि भाई इतने खूबसूरत, वाह, इतनी जबरदस्त चीज बनी है ये, क्या एग, मजा आ जाए लोगों एग करी को बनाई? देख। क्या बनाया आपने? एग करी? एक तूफानी बनाया है मैंने, यूट्यूब पे एक तूफानी लिखा था, एक सुपानी? ओके हाँ ओके ओके, एक तूफानी है ये। तो डिश होती है क्या हुआ, ये भी कोई डिश होती है क्या? यूट्यूब पे था राइट, ओके यूट्यूब पे था। तो देखो यार बात ये होती है श्रुति, तुम गरीब लोग हो, तुम लोगों का ब्रेकफास्ट से लेके रात का खाना घर पे होता है, मतलब वीक में एवरी डे ऑलमोस्ट राइट। मैं तो बहुत गरीब हूँ, बहुत ही ज्यादा। जो अमीर लोग होते हैं वो एवरीडे बाहर खाते हैं, बट जब ऐसा कोई ओकेशन, मतलब जब मूड बनता है ठीक है, वो घर पे खाना बनाते हैं, लेकिन घर पे जब बनाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट लेके बनाते हैं। ये बात तुम मानती हो कि नहीं मानती हो? बिल्कुल बिल्कुल, राइट, तो मैंने आज बहुत ही इंटरेस्ट लेके ये खाना मैंने बनाया है, जो मैं बना सकता हूँ। एक मेरी जान से, ये कौन है? चलो ये तो फेक आईडी है। हाँ तो मैंने बहुत ही मेहनत से ये खाना बनाया है, तो उसमें एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है। तो खुशी तू फक ओह माय गॉड, निकला जीएफ का नाम। तनौली, आपका सच बाहर निकल रहा है, ये क्या कर रहे हो आप? ये लाइव है, यूट्यूब पे जाएगी, सब लोग जान जाएंगे आपका सच कि आप किससे प्यार करते हो। अरे तुम बात को गलत ले रही हो, मैं ये बोल रहा था कि मैंने ये बोला हाय सन, कि नहीं, मैंने ये बोला कि मैं जो कुछ भी बनाता हूँ उस सारी चीजों में मैं बहुत ही खुश हूँ राइट। तो तुम खुद कुछ बना के खुद के घर पे जब तुम कुछ बनाती हो, जो मतलब कि तुम तो हर रोज बनाती ही होगी,
लेकिन जब तुम बाहर खाना खाने जाती हो तो तुम कितनी खुश होती हो, मैं ये बोलना चाहता। यहाँ के खाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होती। मतलब के मुझे अहमदाबाद के खाने, अहमदाबाद का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? नहीं, मेरे को पसंद नहीं आया। अच्छा। कुछ चीज अच्छी है यहाँ पे, कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं, बाकी नॉर्मल। मतलब के तुम कल अगर ऑनेस्ट के अंदर, ऑनेस्ट देखी है ना तुमने ऐसी है अभी तक? हाँ उसका, हाँ चाय ऑनेस्ट देखा है उसका। चाइनीज हाँ, सीख, चाइनीज अच्छा है उसका। पाव चाइनीज अच्छा है। भाजी, उसका पाव भाजी भी अच्छा है। अच्छा, पाव भाजी भी अच्छा है। तो भाई तुम्हारे लिए कल कल मेरे तरफ से, अब तुम तो कल ऑफिस में होगी दोपहर को, बट कल का भाई डिनर ये अपनी श्रुति के लिए मेरी साइड से चाइनीज एंड पाव भाजी इन ऑनेस्ट। भाई श्रुति कल पहुंच जाना वहां पे, कितने बजे जाओगी? नहीं जाना मुझे ऑनेस्ट में तो बिल्कुल नहीं जाना। अरे अभी तो तुमने बोला कि चाइनीज और भाजी, तुम्हें पाव भाजी पसंद है यार, कुछ भी, मैं यहाँ पे मर रहा हूँ तुम्हें कुछ सरप्राइज देने के मैं लिए, चाइना और ना, तुम हो के नाटक पे नाटक ही पेले जा रही हो यार। नहीं मैं वहां पे नहीं जाती खाना खाने। तो तुम कहाँ पे जाती हो ये बताओ? नहीं, मैं नॉर्मल जगह जाती हूँ। अरे कौन सी, मतलब के कौन सी नॉर्मल? तुम श्रीफल में जाती हो, श्रीफल देखा है ना तुमने, राइट? देखा है। फिर तुम, हाँ फिर तुम मिर्च मसाला में जाती हो, या चाहे तुम जहीं पे भी जाती हो भाई, तुम नाम तो मिर्च मसाला की वो हांडी बिरयानी बहुत टेस्टी है। वाह। पर तुम्हें डिनर, मतलब आज रात के डिनर में तुम्हें खाना है हांडी बिरयानी? नहीं यार, मुझे अभी, मैंने बोला ना बाहर का नहीं खा रही हूँ अभी थोड़े दिन से। एक बात बोलूं श्रुति, अगर तुम्हारी यस। जगह पे, अगर तुम्हारी जगह पे दूसरी कोई लड़की होती ना अहमदाबाद की, ठीक है, तो भाई उसने बहुत सारी डिमांड कर ली होती। मतलब यार तुम क्या क्या है ये? नहीं, मैं डिमांड नहीं करती। अरे मैं तो यार, तुम्हारी शादी होने वाली है, शादी से पहले मैं तुम्हें कुछ यादें देना चाहता हूँ कि एक था पनौड़ी जो मुझे बहुत प्यार करता था, ओह माय गॉड। लेकिन साला मेरी, हाँ मेरी किस्मत ही खराब थी, मतलब तुम्हारी, राइट, के बंदे को मैंने खो दिया फैमिली के प्रेशर में आके, राइट? तो मैं, मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है यार। चलो एक मिनट, एक काम करते हैं अहमदाबाद में, और मतलब के स्कूटी तो तुम्हारे पास जाहिर सी होगी ही होगी स्कूटी, भाई। अब उसके अलावा अच्छा, तुम्हें ज्वेलरी का शौक है, मतलब कुछ डायमंड की रिंग बिंग, मतलब वो सारी चीजें है ना? वो है, वो सब है मेरे पास। अच्छा, वो सब है तुम्हारे पास? वो मेरे बापू का, मेरा मेरे बापू का यही काम है ना, तो मुझे जरूरत मत है यहाँ से खरीदने की। अच्छा, तो चलो भाई कल मैं तुम्हें चॉकलेट्स एंड फ्लावर गिफ्ट करता हूँ, ठीक है? चॉकलेट्स एंड फ्लावर फॉर श्रुति गुप्ता, तुम्हारे भाई शादी के लिए, राइट? तो भाई एक टूटे हुए आशिक की गिफ्ट, चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स श्रुति गुप्ता के लिए, ठीक है? तो अब मतलब क्या है, होप कि आप अपना ऑफिस का एड्रेस या तो अपने घर का एड्रेस, चाहे जो भी तुम कंफर्टेबल समझो वो एड्रेस शायद आप मुझे भेज दो, ठीक है? ओके। हाँ, तो पक्का है ये चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको? नहीं, मत चाहिए कुछ और। भाई चलो मैं एक सैलून खोल के देता हूँ आपको, मतलब क्या बिल्कुल बोलते हो बिल्कुल। उसको, ब्यूटी ब्यूटी खोल के देता हूँ मैं अहमदाबाद में। नहीं,
आप चॉकलेट्स पार्टनर, दे दे, चॉकलेट्स ठीक है। अरे बाबा पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं ना, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, आप भी कमाओ मैं भी कमाओ, इन्वेस्टमेंट मेरा, जब कमाओ तो मुझे दे दियो। तो आप तो वहां रहते हो ना, आपको यहाँ आना पड़ेगा ना फिर। मैं क्यों आऊं भाई उधर? क्यों, थोड़ा बहुत तो आप भी देखोगे ना बिजनेस पार्टनरशिप में, तो फिर मेरा कमीशन ज्यादा होगा बाबू तुम क्योंकि फिर इन्वेस्टमेंट भी, बाबू तुम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं करने वाले ना, नल्ली तो मैं लगाने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें फ्री में पार्टनर बना रहा हूँ, बिकॉज तुम्हारे पास टैलेंट है जो मुझ में नहीं है, तो मैं तुम्हारा टैलेंट बाय कर रहा हूँ 50% में, और मैं 100% लगा रहा हूँ, वो तो तुम समझती हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो चलो भाई मैं तुम्हें ब्यूटीक खोल के देता हूँ। कहाँ पे खोलना है ब्यूटीक तुम्हें भाई? मैं सीरियस हूँ इस सारी बातों को लेके, कहाँ खोलना है बताओ। सीरियस हो आप? मैं तो मजाक कर रही हूँ यार, मैं सीरियस हूँ। बस भाई मैं ब्रो आई एम डैम यार, श्रुति ये तो यार मजाक की बात हो गई यार, अहमदाबाद। ये सारी बातें लाइफ पे नहीं होती ना अच्छा चलो तो फिर मैं कॉल करूंगा। मैं ये सारी बातें लाइव पे नहीं करती हूँ, लोगों को नहीं दिखाती मैं कुछ। चलो ठीक है, तो भाई श्रुति गुप्ता तुम आज ठीक घर है। जाओगी? कब घर जाने वाली हो? आज घर जाने वाली हो? नहीं, मैं संडे को जाऊंगी। संडे को घर जाके पापा को बोल दियो कि भाई आई एम ओपनिंग न्यू बिजनेस इन अहमदाबाद एंड आई एम नॉट राइट नाउ रेडी फॉर मैरिज, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू कॉलिंग यू, आई एम सीरियस ब्रो, आई एम गोइंग टू कॉलिंग यू। व्हाट मतलब जो जो भी है आपके दिमाग में, मतलब जो भी सोचा है सब बोल दियो मुझे भाई, फुल्ली सपोर्ट श्रुति। ठीक ठीक है, आप डिनर करो, मैं भी चलो कुछ खा लेती हूँ। मिलते हैं बाद। ओके बाय। केयर भाई, थैंक यू। देखो यार बंदी अपनी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, टैलेंटेड है लड़की, ठीक है, थोड़ी खुले माइंड वाली है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, सी वॉन्ट लिव हर लाइफ राइट। अब वो जहां पे है वहां पे भी अपना सिक्का चलता है बहन चोद, ठीक है? अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करता है करना है क्या क्या है वहां पे, बट वो जहां पे है जिस सिटी में वहां पे अपना सिक्का चलता है भाई, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो बंदी को बिजनेस करना है, लाइफ में कुछ करना है, ठीक है? तो उसकी लाइफ वो मतलब कि ये मैरिज बैरिज के चक्कर में पड़ के लाइफ खुद खराब करे राइट। भाई बहुत ही अच्छी लड़की है वो राइट, सी इज माई गुड फ्रेंड, तो आई जस्ट वॉन्ट सपोर्ट हर। अब भाई किस्मत की बात है ना, किस्मत की बात है, सोचो इतने सारे लोग रहते हैं अहमदाबाद में, ये पहली लड़की है, लड़की छोड़ो पहला बंदा या बंदी जो भी है बोल लो, पहली बंदी या बंदा है जो मेरे कांटेक्ट में इतना क्लोजली आया, आज तक तो कोई अहमदाबाद का आया नहीं इतना इतना क्लोजली कांटेक्ट में राइट। तो भाई श्रुति आई लिटरली हेल्प यू आउट, नॉट अ बिग डील। अहमदाबाद का भी सबसे एक्सपेंसिव एरिया है, सबसे एक्सपेंसिव एरिया जिसको बोलते हैं एससी हाईवे, अहमदाबाद का मतलब सबसे वो जो मतलब जो है लाइक काइंड ऑफ द गुड़गांवा, जो गुड़गांवा का जो मेन पता नहीं क्या है गुड़गांवा, मैंने तो देखा नहीं है गुड़गांव, बट काइंड ऑफ द गुड़गांव का जो जो है काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ फेमस एरिया, प्रॉपर्टी की वैल्यूज वहां पे बेंचो करोड़ों में है, ठीक है? तो उस एरिया पे भाई छोड़ो मुझे कुछ बोलना नहीं है राइट। तो भाई श्रुति
को मैं ब्यूटी खोल के दूंगा 50% पार्टनर में, श्रुति का टैलेंट, श्रुति का स्टाफ और मेरा पैसा। श्रुति, आई प्रॉमिस यू दैट बड़ी, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, ठीक है? देखते हैं भाई तुम्हारा टैलेंट क्या, मुझे इफ यू सक्सेस आई ओपन न्यू ब्रांच, इफ यू मोर सक्सेस देन न्यू ब्रांच, न्यू ब्रांच, न्यू ब्रांच, ठीक है? तो देखते क्या होता है वो। भाई चलो अभी एक मतलब थोड़ा बाकी है, मुझे आई है सुसु, सुसु करके आता हूँ।